नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरी के बारे में, यानी कच्चे आम खाने के बारे में। गर्मियों का मौसम आते ही सबके मन में आम खाने का एक्साइटमेंट होता है। पके तो पके आम, लोग कैरी यानी कि कच्चे आम भी बहुत पसंद करके खाते हैं। शायद ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें आम पसंद नहीं होगा। कितने लोग तो इस वजह से आम खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसे छीलने से लेकर खाने तक काफी झंझट और वक्त लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कैरी के स्वास्थ्य वर्धक फायदे के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आपको बता दूं कि कच्चे आम के लाभ वजन कम करने, मधुमेह को रोकने, पाचन समस्याओं को दूर करने, दांतों को स्वस्थ रखने, लीवर को हेल्दी बनाने, कब्ज का इलाज करने और प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। जो लोग मधुमेह से ग्रसित हैं उन्हें कच्चे आम का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मीठे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग मधुमेह रोगियों के लिए पके आम न खाने की सलाह देते हैं, लेकिन कच्चे आम के लाभ मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा होगा। कच्चा आम एक स्वस्थ फल है जिसका सेवन कर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए कच्चा आम बहुत ही प्रभावी हो सकता है। कच्चे आम खाने से आपको बहुत ही कम कैलोरी प्राप्त होती है, साथ ही यह आपके वजन को कम करने में भी सहायक होता है। कच्चे आम में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा करने और आपको लंबे समय तक भूख का एहसास रोकने से सहायक होता है। इसलिए यदि नियमित रूप से कच्चे आम का सेवन किया जाए तो यह वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। गलत खानपान और अधिक मसालेदार जंक फूड का सेवन करने से हमें अक्सर एसिडिटी की समस्या हो जाती है, लेकिन यदि गर्मियों के दौरान ऐसा हो तो आप इसका उपचार कच्चे आम से कर सकते हैं। कच्चे आम के गुण एसिडिटी दूर करने में प्रभावी होते हैं। इसके अलावा कच्चे आम का सेवन करने से आपको सीने की जलन आदि स्थितियों में भी राहत मिलती है। गर्मियों के मौसम में शरीर को पानी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इस दौरान एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण पानी का अवशोषण बहुत तेजी से होता है। लेकिन शरीर में पानी की कमी आपके पेट और पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। लेकिन आप गर्मियों में पेट की समस्याओं जैसे दस्त, अपच, पेचिस और एनल फिशर आदि के लक्षणों को कम करने के लिए कच्चे आम का सेवन कर सकते हैं। आप अपने शरीर में हार्मोन संतुलित करने के लिए कच्चे आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे आम में विटामिन ए और विटामिन ई होता है जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसमें पेक्टिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण कच्चे आम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक और प्रभावी होते हैं। अगर आपके मसूड़ों से भी खून आता है तो कच्चे आम का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जानकारों के अनुसार कच्चे आम के लाभ स्कर्वी और मसूड़ों के लिए भी होते हैं। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण स्कर्वी हो सकता है, जिसके कारण आपको अल्सर और मसूड़ों में खून आना, एनीमिया, एडिमा आदि की समस्या हो सकती है। लेकिन इसके सेवन से आपको विटामिन सी प्राप्त होता है जिससे मसूड़ों में खून आने की समस्या से बचा जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को कच्चे आम खाना चाहिए क्योंकि इस दौरान कच्चे आम का सेवन करने से महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद मिलती है। यह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन घरेलू उपाय है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लीवर का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं जो आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन लीवर में होने वाली अधिकांश समस्याओं को दूर करने के लिए आप कच्चे आम का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आप कच्चे आम के अलावा कच्चे आम के चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में तेज धूप हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे आपको त्वचा में जलन, खुजली आदि की समस्या हो सकती है। लेकिन इस दौरान कच्चे आम का सेवन करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलता है। अच्छी सेहत के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना आवश्यक है। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कच्चे आम का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद औषधीय गुण आपको विभिन्न प्रकार के संक्रमण और संक्रामक बैक्टीरिया के प्रभाव से बचा सकते हैं। कच्चे आम खाने के फायदे के साथ साथ इसके खाने के नुकसान को भी जानना उतना ही जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का शरीर आम और इस प्रजाति के अन्य फलों के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए आम का सेवन करने पर उन्हें एलर्जी हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जिन्हें आम खाने से एलर्जी होती है वे कच्चे आम का सेवन ना करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि कैरी यानी कच्चे आम से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।